त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। बच्चों, मैं ये कह रहा था कि जगदीश चंद्र बोस को बचपन ही से लगन थी कि वो एक साइंसदान बने। सैकड़ों हजारों मुसीबतें उनके रास्ते में आई, लेकिन उन्होंने एक एक का मुकाबला किया और आखिर वो अपनी मंजिल पर पहुंचकर ही रहे। ये लगन बचपन ही से हर इंसान में होती है। मुझे यकीन है कि तुम सबने भी ये जरूर सोचा होगा कि हमें बड़े होकर क्या बनना है। क्यों मोहन? हाँ सर, मैं बड़ा होकर इंजीनियर बनूंगा। शाबाश। और सर, मैं बड़ा होकर फौज का कप्तान बनूंगा। तुम बैठ जा राजन, तुम्हारे बारे में मैं पहले ही से जानता हूँ कि तुम्हारे जैसा होनहार लड़का जिंदगी में जो चाहे बन सकता है। तुम रमेश? सर, मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा सर। वेरी गुड, वेरी गुड। नंदू, तुमने क्या सोचा? सोचने से क्या फायदा सर? क्यों? मेरे पिताजी की कपड़े की दुकान है, मुझे तो लट्ठा और पापड़ी नहीं बेचनी पड़ेगी। अरे मंगल, तुम क्लास में हर वक्त मिठाई खाते रहते हो। ये मेरे बचपन की लगन है सर, मैं बड़ा होकर हलवाई बनना चाहता हूँ ना। हलवाई? हलवाई क्यों बनना चाहते हो? सर से सर, आपने देखा नहीं हमारे मोहल्ले का मिठू हलवाई सर पे टोपी रखकर किस शान से लड्डू और बर्फी के बीच में बैठा रहता है? चलो लाइन बनाओ। खीरे खीरे हरे राम खीरे लेके जाओ, खीरे 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 खंडे। आज तो मिठू चाचा दुकान पर बैठा है, मोहिनी होती तो तुम दोनों का मुंह मीठा करा देता। तू करता रहे मुंह मीठा, अपने को ठगी का मान हजम नहीं होता है। चल रमेश। बड़ा सस्ता माल लुटा है मिठू चाचा,
एक आने के इकट्ठे ही दो पताशे, लगे हाथ तरकीब इस्तेमाल भी बता दो। एक अभी खा लो ताजा पानी के साथ, दूसरा रात को सोते वक्त, दोनों इकट्ठे नहीं खा लेना नहीं तो बदहजमी हो जाएगी चिस्की लगा के। देख बे मंगल, तुम मुझसे मस्करी नहीं करना, चल भाग याद है वरना। वाह चाचा, मैं तेरे लिए लोगों से लड़ता फिरूं और तुझे कदर ही नहीं। किससे लड़ा है तू मेरे लिए? चोरी हलवाई के बेटे लाहौरी से, कहता है मिट्टू हलवाई एकदम गधा है, उसके लड्डू ईख मार कर फोड़ने पड़ते हैं। तो ये इसके बाप ने बनाए हैं? यही तो मैं कहता हूँ चाचा, तुम्हारा लड्डू तो हलवे की तरह हलक छोड़ता जाता है। अब ये लड्डू दिखाता हूँ उसे और पूछता हूँ गधा कौन है बेईमान कहीं का, ईमानदार कहीं का। अबे दाहिने हाथ से लड्डू निकाल के रख दे, वरना बाएं हाथ से कान निकाल कर हथेली पे रख दूंगा। बापू छोड़ दो ना मंगल को, मैं भी तो लड्डू उठा के खा लेती हूँ दुकान से। अरे पगली, तू तो मेरी बेटी है। मैं कौन सा गैर हूँ चाचा, मुझको अपना बेटा समझ ले। अरे बेटा तो तू अपने बाप का नहीं बना, दूसरे का क्या बनेगा? अपने छलिए को संभाल ले पंडित, आज दूसरी बार बेवकूफ बनाया इसने मुझे। तू क्या यही कर रही है बेवकूफ की बच्ची? सुन पंडित, आज आखिरी बार कह देता हूँ, एक तो तुम किराया नहीं देती, ऊपर से तुम्हारे बेटे ने लूट मचा रखी है। मेरे मकान में रहना है तो अपने बेटे को बस में कर ले, नहीं तो एक दिन सामान फेंक दूंगा बाहर सड़क पर। हाँ सामान ये घर में रहने ही कहाँ देता है लाला, जो तुम बाहर फेंक दोगे। पंडित विद्यारत्न, तुम सारी दुनिया के ग्रह दूर करते हो अपने जंतर से, इस ग्रह के लिए तुम्हारे पास कोई जंतर नहीं। ये ग्रह जंतर से नहीं, डंडे के तंत्र से ठीक होगा। चल बे नालायक की औलाद, विद्वान की संतान होकर हलवाई बनने के सपने देखता है, आज मैं तेरे सिर से ये भूत उतार के ही रहूंगा। तूने दुखी कर रखा है मुझे, मैं तंग आ गया हूं तेरे। देख राजू, आज तूने फिर वर्दी पहन ली, जब जानता है कि तेरे पिताजी को ये सब पसंद नहीं तो क्यों करता है ये? माँ आज मेरी परेड है, पर तू बिल्कुल फिकर न कर, मैं उधर गया और इधर आया, पिताजी को बिल्कुल पता न लगेगा। हाँ हाँ, मुझे कैसे पता चलेगा, मैं तो अंधा हूँ ना। पाजी नालायक, बड़ा लेफ्टिनेंट बच्चा बनता है, हजार बार कहा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, पढ़ाई लिखाई में ध्यान दिया कर। हाँ जी, पढ़ता तो रहता है। तुम चुप रहो जी, मैं अपने घर में सब नहीं चलने दूंगा, आखिर की जिंदगी में कुछ करेगा बदन तो कल्फ लगा घूमता रहेगा, चल जाके पढ़। तप, तप। तू चुप रह मुर्दी, तेरी भी बारी आएगी, सारा दिन खेल कूद में लगी रहेगी। बात उसकी हो रही थी और गुस्सा तुम इस पे उतार रही हो। आजा मेरी लाडो आजा। भैया मुझे सिनेमा नहीं दिखाता। अरे वो क्या दिखाएगा, हम दिखाएंगे अपनी बेटी को, कौन सी फिल्म देखेगी हमारी लाडो? नई दिल्ली। अच्छा अच्छा अच्छा, भैया कहाँ जा रहे हो? क्यों बे, आप किधर को मुंह किया? जी रमेश के यहाँ जा रहा था पिताजी सवाल निकालने। क्यों, सवालों में क्या तकलीफ है जो घर पे नहीं निकलते? मुश्किल है पिताजी, दो जने होंगे तो जल्दी निकल आएंगे। आ जाओ, जल्दी आ जाना। जी अच्छा। क्यों बेटे, हो गई पढ़ाई? जी पिताजी, सवाल बड़े मुश्किल थे मगर यूं निकल आए। शाबाश, लाइफ बेटे ऐसे ही होते हैं। आखिर बेटा किसका है? हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं, ये शायद अलजेब्रा है और ये ज्योमेट्री। पाजी नालायक, मेरा भी बाप बनता है, मुझे रास्ता दिखाता है, हजार बार मना किया फिर भी पास नहीं आता। जाने भी दीजिए, आखिर बच्चा तुम अलग हट जाओ, तुम्हें ऐसे बिगाड़ रखा है। मेरी समझ में नहीं आता ये वर्दी और पट्टी इसके दिमाग में कहां से घुस गई। अरे हमारे खानदान में कोई सौ सौ कोस भी इसके नतीक फटका है, इसे जिंदगी में क्या बनना और क्या नहीं बनना इसका फैसला करना मेरा काम है, अगर आइंदा ऐसी हरकत की तो चमड़ी झड़ दूंगा। तेरी किस्मत में तो मार ही लिखी है नसीब जले। अरे खड़ा क्यों है, जाता क्यों नहीं, यहाँ क्या लड्डू बट रहे, चला गया यहाँ से, जा यहाँ से। पिताजी पिताजी, कुत्ते का दिल उसके टंग में होता है। रोज अंडरस्टैंड बॉस,
देखो बेटा, क्या इंसान क्या हैवान, हर जानदार का दिल उसके सीने में होता है। लेकिन इसकी टांग में टिक-टिक क्यों होती है? दिल खून को जिस्म के हर हिस्से में पंप करता है, जिससे हर नस फड़कती है, जैसे कि हमारी नब्ज। हमारी नब्ज तो कलाई में है, लेकिन इसकी टांग में क्या? हर वक्त डॉक्टर छानता रहता है, जय डके सो जा, काम करने दे अपने पिताजी को। देखो राधा, बच्चों के अंदर पैदा होने वाली रुचियों को कभी नहीं रोकना चाहिए। मुझे ये बातें बिल्कुल पसंद नहीं। कल कहीं से एक मेंढक पकड़ लाया था और छुरी ढूंढ रहा था उसको ऑपरेशन करने के लिए। डेढ़ हाथ का छोकरा अभी से डॉक्टर बनने के ख्वाब देख रहा है। आदमी को जो कुछ बनना होता है उसके ख्वाब बचपन ही में देखे जाते हैं। लेकिन हमारे खानदान में कौन डॉक्टर था जो इसे डॉक्टर बनाए? भाई मेरे खानदान में किसने बिजनेस किया था? मगर मैं बिजनेस कर रहा हूँ, ये तो अपना अपना शौक और अपनी अपनी लगन है। अच्छा बाबा, आपके लेक्चर में तो दूध भी ठंडा होगी, लीजिए। Dismiss the parade. Battalion, officer on parade, Visarjan. Hello, Rajan. मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। मैंने आज तक तुम जैसा स्मार्ट कैडेट नहीं देखा। थैंक यू सर। राजन, पढ़ाई के बाद तुम आर्मी कमीशन के लिए अप्लाई क्यों नहीं करते? सर, मेरे बचपन से यही ख्वाहिश है। इट्स फाइन फाइन। मुझे यकीन है कि तुम्हारे ऑफिसर बनने के रास्ते में कोई रुकावट नहीं आ सकती, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ तुम अगर कुछ मिलिट्री की किताबें पढ़ो। सर, मैं तो खुद यही चाहता हूँ, लेकिन ये किताबें मिलेंगी कहाँ से? डोंट बॉदर, तुम मेरे घर आ जाओ किसी रोज, आई विल गिव यू द बुक्स। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। पंछी उड़ता है ऊंचे गगन पर, पहुंचेगा एक दिन कभी तो चांद की उजली जमी पर। दिल मेरा एक आस का पंछी उड़ता है ऊंचे गगन पर, पहुंचेगा एक दिन कभी तो चांद की उजली जमी पर। दिल मेरा एक आस का पंछी। दुनिया है नौजवानों की, जमाना है नौजवानों का, हवाएं भी गुनगुनाती है तराना हम नौजवानों का।
ये दुनिया है नौजवानों की, जमाना है नौजवानों का, हवाएं भी गुनगुनाती है तराना हम नौजवानों का। बदलेगी एक दिन ये हस्ती, चमकेगा एक दिन मुकद्दर, आएगा झूमता सवेरा जीवन में रोशनी को लेकर। दिल मेरा एक आस का पंछी, उड़ता है ऊंचे गगन पर, पहुंचेगा एक दिन कभी तो चांद की उजली जमी पर। दिल मेरा एक आस का पंछी, कभी मंजिल भी मिल जाएगी, अभी तो हर आस बाकी है, उम्मीदों पर नौ बहारें हैं जहाँ तक ये सांस बाकी है। कभी मंजिल भी मिल जाएगी, अभी तो हर आस बाकी है, उम्मीदों पर नौ बहारें हैं जहाँ तक ये सांस बाकी है। पूरी होगी हर तमन्ना, छू लूंगा आसमां को बढ़कर, राही तो रुक ना सकेगा दुनिया के रास्तों पे चलकर। दिल मेरा एक आस का पंछी, उड़ता है ऊंचे गगन पर, पहुंचेगा एक दिन कभी तो चांद की उजली जमी पर। दिल मेरा एक आस का पंछी। जी खैरियत तो है मोहतरमा? नॉनसेंस, अंधे हो क्या, नजर नहीं आता? साइकिल चलाना नहीं जानते तो चलाते क्यों हो? माफ कीजिएगा मैम साहब, यही सवाल मुझे आपसे करना चाहिए। अगर आप स्कूटर चलाने जानते हो चलाती क्यों है? कसूर मेरा नहीं आपका है। मैं कहती हूँ कसूर आपका है। अजी आपका है, आपका है। कसूर ना आपका है ना आपका, बल्कि हुजूर के बाप का। ये जिन्होंने बर्फदार को साइकिल खरीद कर दे दी वो तो कहिए खैर हुई, वरना अगर कहीं मोहतरमा के जिसमें नाजुक तक कोई खराश आ जाती तो क्या होता? अपना नहीं तो कम से कम आपने इस वर्दी का तो ख्याल किया होता। हमारा यार वर्दी है को ब्रेक थोड़ा ही है, और रॉन्ग साइड पे मैम साहब थी। सुभान अल्लाह साहबजादे, लड़की कभी रॉन्ग साइड नहीं जा सकती, रॉन्ग साइड हमेशा मर्द होता है। इसीलिए आप इनकी साइड ले रहे हैं? वल्ला क्या फरमाते हैं, खुदा शाहिद है हम सुखन सैन है, लड़की के तरफदार नहीं, गलती जनाब की है। अगर मेरे पास वक्त होता तो मैं भी मजा चखा देती। रमेश, ओ रमेश, अरे गजब हो गया, तबीयत साफ हो गई प्यारे। बोर ना कर यार, पढ़ने दे मुझे। अरे तुझे पढ़ाई की पड़ी है, यहाँ जान पर बनी, गोली लगी है। गोली? गोली? हाँ, कहाँ? रमेश आंखों की दो नाली बंदूक थी, जख्म तेरा अंदर हुआ है प्यारे, मर गए। इसका ऑपरेशन सिर्फ जूते से ही हो सकता है, डॉक्टरी में इसका कोई इलाज नहीं। अबे डॉक्टर की दुम, इलाज तो वो खुद करेगी जिसने दर्द दिया है। कौन है ऐसा डॉक्टर जो दर्द भी देता है और दवा भी? क्या नाम है उसका? नाम डॉक्टर कयामत। डॉक्टर कयामत? यार आखिर किस्सा क्या है? किस्सा? अरे रमेश तुम्हारी कसम, सर से पांव तक सांचे में ढली वो स्कूटर पे आ रही थी और मैं साइकिल पे जा रहा था, फिर नजरों से नजरें टकराई, फिर साइकिल से स्कूटर टकराया, फिर दिल से दिल टकराए। हालांकि मैं खुद रॉन्ग साइड पे था, लेकिन उस बेचारी ने मुझसे माफी मांगी, जवाब में मैं मुस्कुरा दिया, फिर मुस्कुराहट का जवाब मुस्कुराहट से मिला। रमेश मैं उसकी तरफ देख रहा था, वो मेरी तरफ देख रही थी, फिर लोग हम दोनों की तरफ देख रहे थे, फिर रमेश वो कुछ घबराई, फिर शर्माई और नजर नीचे करके कहने लगी, इडियट, नॉनसेंस, इडियट। अबे कहने लगी, डार्लिंग माय डियर, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी अगर कल शाम को चाय मेरे साथ पीजिए। रमेश को चाय पीने की फुर्सत कहाँ राजन? खाना भी भूल जाता है, पढ़ाई में खोकर मेरा लाल।
क्यों नहीं चाची, इंग्लैंड से डॉक्टर की डिग्री ऐसे थोड़ी मिल जाएगी। राजन जी, रमेश के ख्वाब तो पूरे हुए, अब ईश्वर तुम्हें भी अपने इरादे में कामयाब करे। बस चाचा जी आपका आशीर्वाद चाहिए, भगवान ने चाहा सब ठीक हो जाएगा। अच्छा मैं चलता हूँ। ऐसे भी क्या जल्दी है बेटा, बैठो ना। हाँ हाँ चाचा जी, जरा काम है, फिर आ जाऊंगा मैं। अच्छा नमस्ते जी। नमस्ते। अच्छा रमेश। ओके क्या बात है माँ? क्या बताऊँ बेटा, दफ्तर में चंगे भले काम कर रहे थे कि आज फिर दिल का दौरा पड़ गया। अब तबीयत कैसी? अब तो कुछ ठीक है, डॉक्टर आया था वो टीका लगा कर गया है, कह रहा था इन्हें आराम की जरूरत है। उधर दफ्तर से छुट्टी की मुश्किल, इधर सेहत की ये हालत, भगवान जाने अब क्या होने वाला है। तू घबरा मत माँ, सब ठीक हो जाएगा। बस एक दफा पढ़ाई खत्म करके काम पे लग जाऊं, फिर पिताजी को नौकरी करने ही कौन देगा। हेलो रीना, क्या बात है, आज बहुत देर कर दी। आज छह सेट खेले हैं डैडी, छह। अच्छा हाँ। ओ, देखो बेटी चाय पी के जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें एक दोस्त के घर खाने पर जाना है। नो डैडी, मैं थक गई हूँ, आप वो आइए ना। नहीं नहीं, वो मेरा बचपन का दोस्त है, आज इत्तेफाक से मिल गया, हमें उसके घर जाना ही चाहिए, और फिर तुम्हें तो उसने खास तौर से बुलाया है। ओ डैडी, कम कम बी ए नाइस गर्ल। ओके गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आ गए सुरेंद्रनाथ। हेलो गिरधारी, माफ करना हमें जरा देर हो गई। कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं। नमस्ते। जीती रहो बेटी, जीती रहो। नमस्ते भाभी। नमस्ते। पहचाना नहीं मुझे, मैं हूँ सुरेंद्रनाथ बख्शी, तुम्हारी शादी पर लड़की का भेष बदल कर देखने आया था तुम्हें, याद है ना? हाँ हाँ क्यों नहीं, और मेरे भैया ने तुम्हें शादी के लिए पसंद भी कर लिया था। वंडरफुल रॉस अंडरस्टैंड बॉस। वाह वाह गिरधारी, तुम जो बचपन में कहा करते थे वो कर दिखाया, क्या आलीशान बंगला बनवाया है। बनवाया नहीं है सर, बनाया खरीदा है 1.5 लाख में। रॉस तुम हर बात में दखल न दिया करो। अंडरस्टैंड मैन। आप लोग बैठिए, मैं अभी आती हूँ। बहुत अच्छा भाभी, आओ सुरेंद्र, आओ आओ बैठ। भाई ये रोज भी अजीब चीज है, दोस्तों को कितनी दूर फेंक देती है एक दूसरे से। सच कहते हो गिरधारी, जवानी के बिछड़े आज बुढ़ापे में मिले। एक्सक्यूज मी सर, आप तो बुढ़ापे में भी जवान नजर आते हैं। नजर कैसे ना है, फौजी जो ठहरे। बेटा रमेश, अपने अंकल से मिलो। नमस्ते अंकल। जीते रहो बेटा। नीना, रमेश इंग्लैंड में डॉक्टरी पढ़ रहा है, इन दोनों छुट्टियों पर आया हुआ है। और बेटा नीना भी FSC के बाद मेडिकल में जा रही है, तो आप इन्हें भी इंग्लैंड क्यों नहीं भेज देते अंकल? पहले इंडिया की डिग्री तो हासिल कर लेने दो। पहले आप लोग चलकर खाना खा लीजिए, फिर आराम से बातें करेंगे। भाभी ये बात पते की कही है, भूख भी बड़े जोरों की लग रही है। ये तो बताओ भाभी, पकाया क्या क्या है? पकाती क्या, जो चटनी रोटी है चलकर खा लो। अच्छा तो आज चटनी रोटी ही सही। रास्ता एकदम साफ है चुस्की लगा के। भगवान शुक्र है तेरा कि आज मिट्ठू चाचा ने दर्शन नहीं दिए। चाचा तुम, मेरा मतलब है आप। अबे आप तो आप, आज तू मुझे अपना बाप भी कहे तो मैं तेरा लिहाज नहीं करूंगा। बोल तू किराया निकालता है या तेरा सामान निकालू। वो संभाल कर बात करो, मेरे कान ऐसी बातें सुनने के आदि नहीं है। कितने पैसे हैं तुम्हारे? 70 रुपए 60 आने। 70 रुपए 60 आना, ये लो, आने अभी जमा कर लो और रुपए एक आध दिन में पहुंच जाएंगे।
मंगल, तू मेरी मछली उड़ा रहा है, उठा बुरी बिस्तर। अरे चाचा, चाचा। अबे तूने मुझे क्या समझ रखा हुआ है? चाचा सुनो तो, चाचा। मैं आज अपना मकान खाली करा के दम दूँगा। पर चाचा बात तो सुनो, अरे चाचा, चाचा। बकवास नहीं हूँ मैं। चाचा चाचा क्या कर रहे हो चाचा? अरे लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? मेरा नहीं तो मेरे बाप का तो लिहाज करो। अबे तुम दोनों बाप बेटा एक ही थाली के लड्डू। बेटा राम नाम की चिड़िया ने जाकर दुनिया को ठगता है और बाप मेरा 6 महीने का किराया दबाकर तीर्थ यात्रा को चला गया है। घर में खाने का ठिकाना नहीं, तू ऊपर से दारू पीते। अरे चाचा चाचा, इसी गम को भुलाने के लिए मैं 2 घूंट पी लेता हूँ कि खाने का ठिकाना नहीं, मगर तुम तो मेरे रहने का ठिकाना भी छीन रहे हो चुस्की लगा के। बापू बापू, क्या बात है बापू, क्या हुआ? वही जो एक ना एक दिन होना था। मोनी, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, तुम ही समझाओ चाचा को, पिताजी का मनी आर्डर आते ही मैं सारा किराया चुका दूंगा। बहुत बेवकूफ बन चुका है, 3 महीने से तेरे बाप का मनी आर्डर आ रहा है, आगे से है वरना सामान के साथ तुझे एक बार फेंक दूंगा। चाचा मुझ पर नहीं तो इन बेजुबान चूहों पर ही दया करो, ये बेचारे आधी रात को कहाँ जाएंगे? निकल चूहों के अंदर, बाहर निकल। चाचा तुम्हारी कसम, मैंने जिंदगी भर कभी अपने बाप के पांव नहीं छुए, आज तुम्हारे पांव छूता हूँ, मेरी इज्जत मिट्टी में ना मिला। अरे हम अपना किराया मिट्टी में मिला दे, हमारा पैसा हराम का है क्या? शाबाश बेटी, फेंक इस खोखे को बाहर, घर को कबाड़खाना बना रखा। बापू क्यों ना इसका सामान नीलाम करके हम कुछ पैसा वसूल करें, भागते चोर की लंगोटी ही सही। तुझे बहुत दूर की सूझी, बुला नीलामी वाले को। चाचा चाचा ऐसा लगा चाचा, बहन नहीं कह रहे बाहर, चाचा खा बच्चा। अच्छा चाचा, अगर तुम मेरा सामान नीलाम कराने पर तुले ही हो तो इतनी दया और करो कि 2-4 बक्से अपने घर से उठाकर मेरे सामान में फेंक दो, वरना लोग क्या कहेंगे कि मंगल एकदम ठन-ठन गोपाल है चुस्की लगा के। मंगल क्या अपने किराए में हमारा सामान भी नीलाम कराना चाहता है? मोहनी, अगर मेरे सामान का कुछ मिल सकता तो मैं खुद ही नीलाम कर चुका होता। मैं सच कहता हूँ, जल्दबाजी में तुम लोग अपना नुकसान कर रहे हो, मेरा तार मनी ऑर्डर आने ही वाला है। दिन रात जलती भट्टी के आगे खून सुखाकर पैसे का मुंह देखते हो, जहाँ इतने दिन सबर किया है वहाँ 2 दिन और देख लो, शायद इस बेशरम को शरम आ जाए। अच्छा तू कहती है तो, पर देख रहे मंगल, अगर 2 दिन के अंदर अंदर साफ साफ ना हुआ तो हमारे झूठे बर्तन साफ करने होंगे। चाचा तुम फिक्र ना करो, तुम कहोगे तो मैं तुम्हारा घर ही साफ कर दूंगा। चाचा वो सामान तो उठाकर अंदर रखते जाओ। क्या कहा? चाचा मैं खुद रख लूंगा, खुद रख लूंगा। मान गए मुई मुई, आई बला टाल दी चुस्की लगा के। मगर कब तक टालती रहूंगी, कब आ रहा है तेरे पिताजी का मनी ऑर्डर? अरे उनका तो ऑर्डर आ गया है कि मनी का इंतजाम करके किराया चुका दो। हाय राम, मेरे पल्ले भी तो तूने कोई पैसा नहीं छोड़ा, अगर बापू ने मकान खाली करा लिया तो हम कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? अरे कैसे खाली करा लेगा, मकान क्या उसके बाप का है? देख मंगल, खबरदार मेरे बापू को कुछ कहा तो। ओहो नाराज हो गई, अरे वो तेरा बापू है तो मेरा भी तो कुछ लगता है, लगता है ना। जा अब जल्दी से भोजन का इंतजाम कर, पेट में चूहे कलाबाजियां खा रहे हैं, जल्दी जा चुस्की लगा के। राजू मजा आ गया, तेरी कसम नशे आ गए नशे। कम वक्त आहिस्ता बोल, अगर पिताजी ने कहीं नशे का नाम सुन लिया तो सारा नशा उतार देंगे, अंदर मर। अब बता बड़े मूड में नजर आ रहा है, कोई लाटरी निकली है क्या? लाटरी नहीं, लड़की निकला। ये लड़की लड़की? अरे तुझे तो कोई ऐरी गहरी राह चलते मिल गई थी, लेकिन अपने को तो ऊपर वाले ने बनी बनाई पली पलाई सजी सजाई घर बैठे भेज दी। अबे चक्रम लड़की है ये पार्सल जो घर बैठी तुम्हें डिलीवरी मिल गई? पार्सल नहीं बेटा, पारस कहो पारस, ऐसी लड़की पूरे पेरिस में नहीं मिलेगी। और मेरी जान तुम जैसा गुलठासन का गुडनू उसे पूरे हिंदुस्तान में नहीं मिलेगा। तू मजाक समझता है मुन्ना? नहीं, बाईगार्ड मुझे देखते ही दिल थाम लिया उसने। अच्छा जी, और आंखें बंद करके कहने लगी, क्या मिस्टर रमेश मैंने बहुत से देखे पर तुम सा नहीं देखा। बेवकूफ बेवकूफ कहो या अकलमंद, मगर मैं तो मिट्टू चाचा को जबान दे बैठा हूँ। अबे जबान दे बैठा है या किराए में सामान दे बैठा है? सामान दे बैठा है, क्या सर रखा है तुमने मंगल को? अरे सामान तो मैं खुद लेके जा रहा था कल रात को, मगर मिट्टू चाचा ने मेरे पांव पकड़ लिए और हाथ जोड़कर कहने लगा, मंगल बेटा मत जाओ, मेरे बुढ़ापे पर तरस खाओ,
और मेरे घर जवाई बन जाओ चुस्की लगा के। अच्छा हाँ, अरे वो तो मेरी झोली में शगन डालकर शादी का दिन पक्का कर रहा था। अच्छा हाँ, मगर मैंने कहा कि शगन मैं लिए लेता हूँ और लगन पिताजी के आने पे होगा। राजू क्या है? अरे पिताजी आ गए, पिताजी आ गए। भैया मैं भागता हूँ, चाचा जी का गुस्सा खराब है और अपना यहाँ रिकॉर्ड खराब है। नमस्ते, राजू को नमस्ते कह देना। ला हौले विला कुवत। आप इडियट, नॉनसेंस, वल्ला गजब करती हैं आप, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। चोर मुझे बताती हो, अंधी हो क्या, नजर नहीं आता? माफ कीजिएगा मोहतरमा, कसूर मेरा नहीं आपका है। मैं कहती हूँ कसूर आपका है। जी आपका है, आपका है। अजी कसूर ना आपका है ना आपका, बल्कि हजूर के बाप का, जिन्होंने बरखुरदार को टहलने के लिए अकेला सड़क में छोड़ दिया। साहबजादे अब्बा हजूर की उंगली पकड़ के चला कीजिए। जबान काबू में रखिए कबला, मैं तो अपने हाथ जा रहा था, रान साहब तो मोहतरमा थी। शरत सुभान अल्लाह, मौलाना साहब बात सुनी जी। हजूर बात यूं है कि औरत कभी रॉन्ग साइड नहीं होती, रॉन्ग साइड हमेशा मर्द होती है। अजी खुदा शाहिद है, हम सुखन फैम है, मैडम के तरफदार नहीं, गलती शराब की थी। आधा वर्ष किबला, आधा वर्ष। अजी मेम साहब, ये स्कूटर आपके बस का रोग नहीं, इसे आज ही किराए पे उठवा दीजिए, वरना ये कमबख्त आपका चालान करवा कर रहेगा। बदतमीज़, अजी को मार दूंगा, गाली दीजिए, ये तो एकदम घिस चुकी है। इडियट, अजी ये कुछ बात हुई ना, थैंक यू वेरी मच। राजन। ओ सर आप, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तुम यहाँ कैसे? ये फंक्शन तो मुझे मालूम है सर, लेकिन वो बात ये है कि यहाँ की मम्मी है ना, मम्मी वो मेरे प्रिंसिपल है। व्हाट जी? मेरा मतलब ये है कि यहाँ की प्रिंसिपल मेरी मम्मी है। ओ आई सी, लेकिन ये बात तो तुमने पहले कभी बताई नहीं। सर आपने कभी पूछा ही नहीं। कोई बात नहीं। अच्छा, हमें कहती थी कि कार गुम हो गया है। कार गुम हो गया है या दिल? क्या बक रही तारा? तारा ने चांद चढ़ा देखा है, जाकर देख सीट नंबर 42 पे कौन बैठा है। कौन बैठा है? अपने दिल से पूछ ले। तो ये करतूत इसकी है, अभी मजा छिपाती हूँ। शुशुनी वाला है।
अच्छा सर मैं चलता हूँ। तो क्या तुम अपनी मम्मी के साथ नहीं जाओगे? मम्मी? सर बात यह है कि उनके साथ जाने में देर हो जाएगी और घर में डैडी मेरी राह देख रहे हैं। लो वो भी आ गई। कहाँ सर? कहाँ है वो? ये रही। सर मैं उनसे खुद ही मिल लेता हूँ। थैंक यू, बाय बाय। मम्मी एक मिनट, इस कॉलेज की प्रिंसिपल आप ही हैं ना? जी हाँ, आप कौन हैं? जी मैं आर्ट वीकली का रिप्रेजेंटेटिव हूँ और आपके इस खूबसूरत शो के बारे में कुछ लिखना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। एक्सक्यूज मी, मैं आर्ट वीकली का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मुझे कुछ आपसे। आर्ट वीकली? तो आप कौन हैं? जी मैं स्मार्ट वीकली। ओह स्मार्ट वीकली हाँ गया, कोई बात नहीं, कभी तो काबू आएगा। ये सुबह सुबह बंठन के कहाँ जा रहे हो भैया? मैं तो साहब यहाँ किताबें लेने जा रहा हूँ। किताबें लेने? हाँ। मैं तो समझी थी ससुराल जा रहे हो। अरे मोरी ससुराल ऐसे तो नहीं जाऊंगा, ससुराल तो बाजे गाजे के साथ जाऊंगा, तुम्हें भी साथ ले चलूंगा। कब जाओगे भैया? अरे पहले तेरा कन्यादान तो हो जाए, अपना नंबर तो बाद में लगेगा। मुझसे ऐसी बातें मत किया करो। हाँ मुझसे ऐसी बातें मत किया करो भैया, तो सारे दिन मुझे चिढ़ाती रहती है, तो चुड़ैल कहेंगी। अच्छी तेरे की, जिस काम पे ध्यान रखता हूँ। अच्छी Yes? No. तुम? No. बड़े ढीठ हो तुम? Yes. बेशर्मी की भी कोई हद होती है। No. जी मेरा मतलब है yes. लेकिन माफ कीजिएगा, क्या ये बंगला 10 नंबर का नहीं? अच्छा तो आप 10 नंबर में जाना चाहते हैं? जी जी हाँ जी हाँ। टेरी मैं भिजवा देती हूँ आपको 10 नंबर के बंगले में। शुक्रिया। मोती जी, हो सके तो मोती से एक गिलास ठंडा पानी भी मंगवा लीजिए ना। मोती जरा साहब को 10 नंबर के बंगले में छोड़ाओ। अजी हाँ, इसको क्यों तकलीफ देती, मैं खुद ही चला जाता हूँ। सर आप यहाँ, चलिए चलिए, ये आपका बंगला नहीं है। मेरा बंगला नहीं है? व्हाट नॉनसेंस। मोती सर ये आपका बंगला है तो फिर वो हाँ हाँ, ये मेरा ही बंगला है। कहो तुम कैसे आए? सर मैं आया तो किताबें लेने था, लेकिन तो आओ अंदर आओ, कम ऑन। नहीं सर फिर कभी आ जाऊंगा, आज आप काफी मसरूफ हैं। नहीं नहीं आज मेरी छुट्टी है, कम अलॉन्ग, डोंट बी अफ्रेड, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। इना बेटी। यस डैडी। कम इन राजन, शर्मा क्यों रहे हो, अपना ही घर समझो। जी हाँ। ये है मेरी बेटी नीना। नीना ये राजन है, हमारी एनसीसी का सबसे ब्रिलियंट कैडेट। हाँ डैडी मैं इन्हें अच्छी तरह जानती हूँ। तुम इसे जानती हो? ओह मैं तो भूल ही गया था कि ये तुम्हारी प्रिंसिपल का बेटा है। हमारी प्रिंसिपल का बेटा? उनकी तो शादी ही नहीं हुई डैडी। शादी नहीं हुई? यस सर सर वो दरअसल बात यूं है कि इनकी प्रिंसिपल और मेरी माताजी बहुत गहरी सहेलियां हैं, इसलिए उनमें और अपनी माताजी में कोई फर्क ही नहीं समझता। ओह समझा। आओ बैठो बैठो। नीना बेटा तुम जरा चाय के लिए कहो, मैं इतनी देर में तुम्हारे लिए किताबें लेकर आता हूँ। थैंक यू सर। एक गिलास ठंडा पानी। थैंक यू सर। हेलो स्पीकिंग। यस सर। वेरी वेल सर। ओके सर, आई एम जस्ट कमिंग सर। माफ करना राजन, मैं एक जरूरी काम से कर्नल साहब की कोठी पर जा रहा हूँ। लेकिन डैडी चाय तो पीते जाइए ना। बेटी मुझे जल्दी पहुँचना है। अच्छा सर तो मैं भी चलता हूँ। नहीं नहीं तुम बैठो, चाय पी कर जाना, फिर बैठो। ओके ओके सर। अरे ये आपने खुद क्यों तकलीफ की? घर आए मेहमान की खातिर तो करनी चाहिए।
खातिर तो आप पहले ही काफी कर चुके हैं। अच्छा तो आपकी माता जी हमारी प्रिंसिपल की सहेली हैं? जी जी नहीं, आपकी प्रिंसिपल मेरी माता जी की सहेली। तो फिर वो कार्ड हमारे प्रिंसिपल ने आपको भेजा होगा? आप तो सब जानते बूझते शर्मिंदा कर रही। दरअसल बात ये है कि मुझे आपका डांस देखना था, सो मैंने देख लिया। लीना देवी, आप डांस बहुत अच्छा करती। डांस तो आपका भी बुरा न रहता अगर कल आप हम लड़कियों के काबू में आ जाते। अजी आ जाता तो अच्छा ही होता। अगर कल आप लोगों के साथ भरतनाट्यम कर लेता तो आज मोती के साथ रॉक एंड रोल तो नहीं करना पड़ता। I'm sorry, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं तो ये समझता हूँ कि जिंदगी खुद एक बहुत बड़ा हादसा है। अब देखिए ना, हम एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार बिन बुलाए बिन चाहे एक दूसरे के रास्ते में चले आए। अब इसमें कुदरत का क्या राज है ये तो भगवान जाने, या फिर जी हूँ मेरे गुरु। गुरु जी? आपके भी कोई गुरु है? नीना देवी, आप तो हर बात मजाक में ले लेती। यकीन मानिए मेरे गुरु बहुत पहुंचे हुए आदमी, बिन देखे बिन सुने दिल की हर बात बता देते। लेकिन मैं इन बातों को नहीं मानती। अजी मैं भी नहीं मानता था, लेकिन जब से उनका चमत्कार देखा है मानने पर मजबूर हो गया हूँ। आप खुद चलकर देख लीजिए। अच्छा तो चलेंगे किसी दिन? कल चलिए ना। कल? जी हाँ, 2 बजे उसी मोड़ पर मैं आपका इंतजार करूंगा। 2 बजे आप आएंगी ना? हाँ। तो मैं चलूं? हाँ। यहां रहते हैं मेरे गुरु। ना आदमी ना आदमी की जात, दुनिया से अटंक है ना। बस ये गुफा पार की हो गए उनके दर्शन, उनको इतला कर दूं कि हम आ गए। जय हो महाराज। प्रणाम महाराज। महाराज इस वक्त समाधि में। तुम आ गई नीना बेटी? जी जी महाराज। हम जानते थे कि आज के दिन तुम अवश्य आओगी तो लेके। हाँ महाराज, इनकी कृपा से। ये सब इन्हीं की कृपा से हो रहा है बेटी। कुछ दिन हुए तुम किसी विमान किसी हिंडोले पर बैठी जा रही थी कि तुम्हारी इनसे टक्कर हो गई। हाँ हाँ महाराज, मैं अपने स्कूटर पर थी। और मैं अपने साइकिल पर महाराज। बच्चा, ये साइकिल मोटरसाइकिल स्कूटर हेलीकॉप्टर हम कुछ नहीं जानते। हम तो केवल इतना जानते हैं कि ये अवश्य होना था, तुम दोनों का एक दूसरे के निकट आना लिखा था। एक बार तुम फिर उसी स्थान पर मिले और कोई सफेद सी वस्तु तुम्हारे तीसरे मिलन का कारण हुई। लिफाफा। ठीक महाराज, बोला नहीं ठीक। एक रंग मंच था जिसपे नीना बेटी नाची और साथ तुम भी नाचे। तुम? मैं नहीं नाचा महाराज। भावनाओं का नाचना और शरीर का नाचना एक ही बात है बच्चा। आप धन्य है महाराज।
तुम्हारा आज का नहीं जन्म जन्म का संबंध है। पिछले जन्म में तुम पुरुष थी और ये तुम्हारी स्त्री, लेकिन इस जन्म में इसके उलट होने वाला है। तुम पति पत्नी जरूर बनोगे, लेकिन बस एक यज्ञ करना होगा। तुम्हारे जैसे जो दुखी प्राणी यहाँ आते हैं उनके जलपान का प्रबंध करना होगा। हाँ महाराज। युवक ठीक कहता है पुत्री, स्त्री को माया का नहीं सोने या चांदी का दान करना चाहिए। सोना? हाँ महाराज। और पुरुष को नगद नारायण का दान करना चाहिए। मंगल? मंगल तुम पर बहुत भारी है बच्चा, किंतु इस समय तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हाँ महाराज, वो तो मैं देख ही रहा हूँ। निकालो ना पैसे। ये लीजिए महाराज। परे 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 परे, बेटी माया की छाया हम पर ना पड़े, इसे यहाँ रख दो और तुम जाओ। और जब तुम्हारे पहला बच्चा हो बच्चा, उसे हमारी सेवा में जरूर लेकर आना चुस्की लगा के। जरूर लाएंगे महाराज, दूसरा भी लाएंगे चुस्की लगा के। चुस्की? हुँ? ये चुस्की लगा के क्या चीज है? वो स्नान करके, स्नान करके। वाह 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 वाह, कितना विद्वान बच्चा है, कल्याण हो। नमस्कार महाराज। सदा सुखी रहो, जाओ। मगर जरा संभल के, इस गुफा में एक भूत का निवास है। भूत? परंतु घबराने की कोई बात नहीं, जब तुम्हारे साथ ये युवक है तो क्या चिंता है, जाओ। आप चलिए ना। अकेले ही? देखा, कुदरत की हर चीज चाहती है कि हम एक दूसरे के करीब आ जाएं। चलते हैं जीवन सफर में, उनको मिला रास्ता। धीरे चलाओ जरा, धीरे चलाओ जरा। कभी न आए कोई दूसरा। धीरे चलाओ जरा, धीरे चलाओ जरा। मुकद्दर की गाड़ी पे हम दो अनाड़ी, यह नया रास्ता। धीरे कहाँ तक चले, हाय हाय, धीरे कहाँ तक चले। Thank you.
झूमता नजारा, सफर करा प्यारा है मौसम का इशारा, यहाँ ना रुकना। जहाँ भी तू कहेगा, जहाँ भी ले चलेगा, चलूंगी संग तेरे ओ मेरे सजना। धीरे कहाँ तक चले, हाय हाय धीरे कहाँ तक चले, जो बेखौफ चलते हैं जीवन सफर में उनको मिला रास्ता। धीरे चलाओ जरा, धीरे चलाओ जरा, मुफस्सर की गाड़ी पे हम दो अनाड़ी, यह नया रास्ता। धीरे कहाँ तक चले, हाय हाय धीरे कहाँ तक चले, जो बेखौफ चलते हैं जीवन सफर में उनको मिला रास्ता। धीरे चलाओ जरा, हाय धीरे कहाँ तक चले, हाय हाय धीरे चलाओ जरा, हाय धीरे कहाँ तक चले, हाय हाय। मैं कुछ नहीं सुनूंगी, अब तो बहू ला के ही रहूंगी इस घर में। माँ, माँ तो बस अब दादी बनना चाहती है बेटे। ओहो, तुम इतनी जल्दी कहाँ से कहाँ पहुंच गई माँ, कुछ दिन और मुझे आजादी से गुजार लेने दे, फिर देखा जाए। देखा क्या जाएगा, मैं तो नीना के पिता से बात भी पक्की कर चुकी। नीना के पिता से? हाँ, नीना जैसी लड़की चिराग लेकर भी ढूंढने से नहीं मिलेगी। तुम रूठी रहो मैं मनाता रहूं, तुम रूठी रहो मैं मनाता रहूं, के इन अदाओं पे और प्यार आता है, इन अदाओं पे और प्यार आता है। थोड़े शिकवे भी हो कुछ शिकायत भी हो, थोड़े शिकवे भी हो कुछ शिकायत भी हो, तो मजा जीने का और भी आता है, मजा जीने का और भी। हाय दिल को चुरा कर ले गया, मुँह छुपा लेना हमसे वो आपका, मुँह छुपा लेना हमसे वो आपका, देखना वो बिगड़ कर फिर हमें, और दांतों में उंगली का दाबना, और दांतों में उंगली का दाबना। ओ मुझे तेरी कसम ये ही समा मार गया, इसी जलवे पे तेरे दोनों जहां हार गया। तुम रूठी रहो मैं मनाता रहूं, के इन अदाओं पे और प्यार आता है, इन अदाओं पे और प्यार आता है। थोड़े शिकवे भी हो कुछ शिकायत भी हो, तो मजा जीने का और भी आता है, मजा जीने का और भी।
चाहे कोई डगर हो, प्यार की खत्म होगी ना तेरी मेरी दास्तां, खत्म होगी ना तेरी मेरी दास्तां। दिल जलेगा तो होगी रोशनी, तेरे दिल में बनाया मैंने आशियां, तेरे दिल में बनाया मैंने आशियां। ओ शरद पूनम की रंग भरी चांदनी, मेरी सब कुछ मेरी तकदीर मेरी जिंदगी। तुम रूठी रहो मैं मनाता रहूं के इन अदाओं पे और प्यार आता है, इन अदाओं पे और प्यार आता है। थोड़े शिकवे भी हो कुछ शिकायत भी हो तो मजा जीने का और भी आता है, मजा जीने का और भी आता है। अरे उषा की माँ जानती हो क्या हुआ? क्या हुआ जी? अरे बधाई हो, तेरा बेटा पास हो गया। हाँ, और वो भी फर्स्ट क्लास में। ये देख भैया पास हो गया, भैया पास हो गया, भैया भैया। अरे मरी सुबह सुबह शोर क्यों मचा रही है? भैया बातें कुछ ऐसी है, तुम भी सुनोगे तो पागल हो जाओगे। हुआ क्या? तुम फर्स्ट क्लास में फेल हो गए। नहीं नहीं नहीं, तुम फर्स्ट क्लास में पास हो गए। बात ही ऐसी है, अब देखना मैं क्या करता हूँ। क्या करेगा मेरा बेटा? अपनी माँ को राज कराऊंगा, राज जिंदगी में तुझे कुछ बन के दिखाऊंगा। अरे बेटा हम जो बैठे हैं इसके लिए, तू क्यों चिंता? पिताजी अब मैं बच्चा थोड़ा ही, अब आपको मेरी नहीं मुझे आपकी चिंता करनी है। क्यों नहीं बेटा? हमें तुमसे यही उम्मीद है बेटा। ले तू भी ले, खाए खाए और मोटी हो जा। वो मेरा लड़का है ना राजन? हाँ। उसने अभी भी फर्स्ट क्लास से बीए पास किया। खूब, कांग्रेचुलेशंस। अब उसे क्या करवाने का इरादा? अपने दफ्तर में जो नई पोस्ट निकली है ना वो। लेकिन वो तो अकाउंट्स की नौकरी है, जिसके लिए हमें कम से कम बी कॉम लड़का चाहिए, और आपका लड़का तो सिर्फ बीए ही है। आप एक बार मौका तो देकर देखिए मेहता साहब, मुझे अपने बेटे पर बड़ा नाज है। अच्छा, मैं उसे मौका देकर देखता हूँ। मेरा रोम रोम आपका धन्यवाद है मेहता साहब। मैं जानता था आप मालिक एक तरह के माँ बाप ही होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये लेटर्स अभी पोस्ट कर दीजिएगा जी। बहुत अच्छा, मैं जा रहा हूँ। रोना, भगवान ने चाहा तो अब दस दस दर्दी बिठा दूंगा अपनी चुई मुई के लिए। जी, क्या बात है, बड़े खुश नजर आ रहे हैं। कहीं लॉटरी वाटरी निकल आई है क्या? अरे बेटे को नौकरी मिल गई है, लॉटरी से कम है क्या? है? सच, शुक्र है भगवान तेरा शुक्र है, तूने हमारी। क्या बात है माँ, बड़ी खुश नजर आ रही है। राजू राजू बेटा बधाई हो, बधाई हो। किस बात की बधाई माँ? अरे तूने सुना नहीं, तेरी नौकरी लग गई है। नौकरी? कैसी नौकरी? अपने दफ्तर के अकाउंट्स डिपार्टमेंट में 250 रुपए तनख्वाह है, 250। तू बड़ा खुशकिस्मत है बेटा। अरे लोगों को तो महीनों बरसों बैठना पड़ता है, पर तू उधर पास हुआ और इधर तुझे नौकरी मिल गई। लेकिन लेकिन पिताजी, मैं तो मिलिट्री में अर्जी दे चुका हूँ। मिलिट्री? जी। किससे पूछ के दी? मुझे नहीं मालूम था कि अभी तक तुम्हारे सर पर इसका भूत सवार है। अरे हमारे पूरे खानदान में किसी ने भूल के भी मिलिट्री में नौकरी की है? ये कोई जरूरी तो नहीं पिताजी कि इंजीनियर का बेटा इंजीनियर ही बने, वो डॉक्टर वकील बिजनेसमैन कुछ भी बन सकता है। ये तो अपनी अपनी लगन अपने अपने शौक की बात है। ये शौक क्या बला है? जवानी के नशे में इंसान अंधा होता है, वो कभी अपना नफा और नुकसान नहीं सोच सकता। ये सिर्फ माँ बाप ही समझते हैं कि औलाद के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। लेकिन पिताजी, क्या औलाद की किस्मत का फैसला करने का हक सिर्फ माँ बाप को ही है? क्या औलाद को अपनी उमंगों अपनी उम्मीदों को पूरा करने का कोई हक नहीं? पिताजी मैं वो नौकरी नहीं करूंगा जिसमें मेरा मन ही ना हो, वो मेरे लिए बेकार होगी और मैं उसके लिए बेकार। बंद करोगे बकवास, जब तक मैं जिंदा हूं इस घर में मेरी चलेगी। मैं जो फैसला कर चुका हूं अटल, पत्थर पे लकीर,
अगर तुझे मंजूर नहीं तो तेरा रास्ता वो है। शायद आप ठीक ही कह रहे हैं पिताजी, अब मुझे अपना रास्ता खुद ही ढूंढना पड़ेगा। बदतमीज, तेरी इतनी हिम्मत, निकल जा, चला जा, दबा हो जा। राजू, राजू मत जा बेटा, तेरे पिताजी ठीक कह रहे हैं, एक ही बेटा है तू हमारा, अगर लड़ाई में तुझे कुछ हो जाए तो चलो कैसे, जाने दे, मरने दे, इसकी इतनी हिम्मत कि हमारे मुंह को आए। माँ बाप जिन्होंने पाला पोसा, इतना बड़ा किया, उन्हीं को आंखें दिखलाता है। निकल जा, चला जा, दूर हो जा बच्चा। राजू, आइए ले जाइए, राजू, राजू पकड़, राजू जा जा, जल्दी से डॉक्टर को बुला। अब कोई ऐसे खतरे की बात नहीं, लेकिन हाँ एक बात का खास ख्याल है कि इन्हें किसी किस्म का सदमा नहीं पहुंचना चाहिए। दिल का केस है, जरा सी बात खतरनाक साबित हो सकती है। अच्छा तो अब आप इन्हें आराम करने दीजिए, मैं एक बार रात को फिर आ जाऊंगा। बेटा, आखिर वो तेरे पिता है, कोई दुश्मन तो नहीं। मैं तो कहती हूँ अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, जाकर माफी मांग ले, उनके दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। जा बेटा, जा। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, आप जो कुछ भी कहेंगे मैं वही करूंगा पिताजी। पूछता हूँ ये बिल अभी तक पूना क्यों नहीं पहुंचे? जी वो आज ही भिजवा देता। आज भिजवा भी दोगे तो क्या होगा, 31 मार्च को सब सरकारी अकाउंट बंद हो जाते हैं, और फिर ये सब टोटल भी गलत है। मैं हैरान हूं तुम्हें ये मामूली जमा तफरीक नहीं आती। बीए में क्या मजमून था तुम्हारा? जी हिसाब। यू मीन मैथमेटिक्स? जी हाँ। तो फिर बात क्या है? जी वो कोशिश तो बहुत करता हूँ मेहता साहब। हाँ, कोशिश करते हो, जाओ इसे ठीक करके लो, आइंदा गलती हुई तो अच्छा नहीं होगा। आपका फोन साहब। स्पीक अप प्लीज। हेलो। क्या बात है राजी, दिनों से शक्ल ही नहीं दिखाई। ऐसे ही जरा कुछ काम था। जानती हूँ तुम बड़े दुखी हो, लेकिन ये दुख तकलीफ में ही है राजन। जब आदमी किसी से मिलता है, बातें करता है, फिर दुख दुख नहीं रह जाता। ये बातें क्या टेलीफोन पर करने की हैं, और वो अभी दफ्तर में? अच्छा मैं तुम्हें और कुछ नहीं कहती, सिर्फ इतना बता दो कब मिलोगे। जब फुर्सत होगी खुद ही चला आऊंगा, और शायद ना भी आ सकूं। हेलो राजन, हेलो राजन। राजू, मैं जानती थी तुम जरूर आओगे। मुझे माफ कर दो नीना, हालात से मजबूर होकर न जाने टेलीफोन पर क्या उल्टी सीधी कह बैठा मैं। कोई बात नहीं राजू, मुझे ही कही है ना, तुम जो भी कहो मुझे कहो, लड़ो भी तो मेरे साथ। नीना। हाँ राजू।
मैं बहुत दिन से तुमसे कुछ कहना चाहता था। कहो। तुम मुझे भूल जाओ नीना। राजू। हाँ नीना, जो सपने हमने एक साथ देखे थे ना, वो अब कभी पूरे नहीं होंगे। ऐसा मत कहो। अगर तुम्हारे साथ मिलकर मैंने कोई सपनों का संसार सजाया था तो उसे जो कुछ भी होता है तुम्हारे साथ ही देखूंगी। लेकिन नीना, मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ एक और जिंदगी बर्बाद हो जाए। जिस मंजिल पर मैं पहुंचना चाहता था वो मुझसे बहुत दूर हो गई है नीना। इतनी दूर कि मैं वहां कभी पहुंच भी नहीं सकता। कहां एक मिलिट्री ऑफिसर और कहां मैं। कैसी बातें करते हो राजू। मैंने किसी मिलिट्री ऑफिसर से नहीं, तुमसे प्यार किया है। वो सब ठीक है नीना, लेकिन जिंदगी में कुछ ऐसे आराम, कुछ ऐसे सुख होते हैं जो शादी के बाद मैंने तुम्हें देना चाहे थे, लेकिन अब उनकी कोई उम्मीद नहीं। तुम्हें उनके बिना देखकर जानती हो मेरी क्या हालत होगी। तुम कितने भोले हो राजू। जिन चीजों को तुम मेरा सुख और आराम कहते हो, मेरी नजरों में तो वो कुछ भी नहीं। मैं जो तुमसे मांगना चाहती हूँ वो स्त्री का सबसे बड़ा सौभाग्य है। बोलो, तुम वो दे सकोगे मुझे? नीना, मेरे पास है ही क्या, कुछ भी तो नहीं। मैं एक नाकाम सा आदमी तुम्हें दे ही क्या सकता हूँ? दे सकते हो, जब भी मांग रही हूँ ना। बोलो। तुम मुझे इस काबिल समझती हो नीना, तो मेरी जान भी हाजिर है। राजू, तुम अपने सारे दुख मुझे दे दो। हाँ राजू। अब तबीयत कैसी है पिताजी? अब तो कुछ ठीक हूँ बेटा। तू बता, तेरा काम कैसा चल रहा है? जी, आप मेरी फिक्र मत कीजिए। दफ्तर के सब लोग, मैनेजर साहब बहुत खुश हैं मुझसे, बहुत खुश हैं। है ना? जी। मैं तो जानता था, मैं तो पहले ही जानता था। तुम्हारा बाप तो तुम्हारी बहुत तारीफ करता था, लेकिन मैं देखता हूं तुम्हारा मन ही नहीं इस काम में। ऐसा करो, तुम अपने मतलब की कोई जगह तलाश कर लो। ये बहुत जिम्मेदारी की जगह है, तुम्हारे बस का रोग नहीं। राह के तालिब हैं पर बेराह पड़ते हैं कदम, देखिए क्या ढूंढते हैं और क्या पाते हैं हम। अपनी भी क्या जिंदगी है निराली, जहाँ गए ठुकराए गए जैसे बोतल खाली। अपनी भी क्या जिंदगी है निराली, जहाँ गए ठुकराए गए जैसे बोतल खाली। अपनी भी क्या जिंदगी है निराली, जहाँ गए ठुकराए गए जैसे बोतल खाली। जमाना था सपना वो क्या सुहाना था, सब सुबह शाम खुशियों के जाम, हर सांस एक तराना था। रंगीन वो जमाना था सपना वो क्या सुहाना था, सब सुबह शाम खुशियों के जाम, हर सांस एक तराना था। अब तो बस हर घड़ी दुख भरी बेबसी, आस की हर किरण अश्क बन बह गई। अपनी भी
क्या जिंदगी है निराली, जहाँ गए ठुकराए गए जैसे बोतल खाली, अपनी भी क्या जिंदगी है निराली, जहाँ गए ठुकराए गए जैसे बोतल खाली। क्या नींद किसको सोना है, अब सारी रात रोना है, दुखड़े बिछा के सब कुछ भुला के बस एक बार सोना है। क्या नींद किसको सोना है, अब सारी रात रोना है, दुखड़े बिछा के सब कुछ भुला के बस एक बार सोना है। जिंदगी जिंदगी ओ मेरी लाडली, आ गले मिल है शायद ये रात आखरी, अपनी भी क्या जिंदगी है निराली, जहाँ गए ठुकराए गए जैसे बोतल खाली, अपनी भी क्या जिंदगी है निराली, जहाँ गए ठुकराए गए जैसे वो सल खाली। राजू बेटा क्या बात है, सुख तो है ना? माँ सब सुख ही सुख है, अब कोई दुख नहीं, कोई दुख नहीं है। राजू राजू तूने शराब पी है? आहिस्ता बोल माँ आहिस्ता बोल। ये तूने किस खुशी में शुरू कर दी है दुष्ट, बाप को संभाला है या बहन के हाथ पीने की? तू तो कहता था एक दिन तुझे राज करवाऊंगा, राज, ये राज है, ये राज है। अरे माँ राज ही तो कर रही है तू, है राज नहीं कर रही। देख देख, रोटी खाने को नहीं, कपड़ा पहनने को नहीं, और ये तेरे बर्तन खटिया रह गए है ना माँ, एक दिन ये सब बिक जाएंगे, फिर राज ही राज होगा, एकदम राज होगा। शर्म नहीं आती लफंगे सोदे, पहले ही क्या कम था जो तो बर्बादी पर तुला है। सारी दुनिया ने मुझे मारा मां, उस पे तूने भी मुझे मारा मां, तूने भी मुझे मारा। तेरी किस्मत में तो मार ही निकली है नसीब जले, मारी लिखी। बता बता कहीं ज्यादा लगी तो नहीं मेरे बच्चे, कहीं ज्यादा लगी नहीं ना? राजू माँ जी ने मुझे सब कुछ बता दिया है। तो क्या शर्म आनी चाहिए तुम्हें? तुम कौन होती मुझे शर्म दिलाने वाली? मैं कोई भी नहीं। चले जाओ यहां से। मैं तो चली जाऊंगी, मैं इस घर में आई ही कब थी कि निकाली भी गई। बंद करो ये सब, अब जब जिंदगी मेरी कोई कीमत नहीं रही, मुझे जली कटी सुनाने का तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता। मैंने सुना था सोना आग में पड़ता है तो कुंदन हो जाता है,
लेकिन तुम जिंदगी की आग में पड़े तो पीतल भी न रहे। इसे कहते हैं मर्द। जरा मुंह की खाई लगे शराब पीने, लड़खड़ाते हुए घर आने, विधवा माँ के टूटे हुए दिल को जोड़ने के बजाय उसे टुकड़े टुकड़े कर, बहन की मांग में सिंदूर भरने के बजाय राख डाल देने। अब तुम बहादुर हो गए, अब जिंदगी पे फतेह पाली। मुझे माफ कर दो नीना, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसमें माफी मांगने की क्या बात है, माँ ने तुम्हें मारा, तुमने मुझे, बराबर हो गए। बस नीना बस, मैं बहुत शर्मिंदा हूं, मैं मेरी कुछ समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। नीना ऐसा लगता है मैं पागल हो जाऊंगा। ये सब बातें तुम कुछ भी करने वाले होते तो हर मुसीबत पर मुस्कुराते, हर बार गिरकर एक नई हिम्मत से उठते। अगर उम्मीद के सब दरवाजे बंद हो गए थे तो जो कहीं निकल भागने का एक आध रास्ता था उसे भी ठोकर मारकर बंद कर देते। फिर वो देने वाला भगवान आप ही शर्मसार होकर तुम पर पूरी जिंदगी के रास्ते खोल देगा। अगर तुम में हिम्मत होती तो यूं मुंह लटकाकर घर लौटाने के बजाय कहीं भी निकल जाते और आसमान की किसी अंधे कोने में अपना सितारा ढूंढ लेते। ऑफिसर न हो सके तो सिपाही हो जाते। हाँ सिपाही, सिपाही तो फौज की जान है। अगर दुनिया के बहुत से लोग एक मामूली हैसियत से तरक्की करते करते बड़े आदमी बने तो सिपाही ने भी जनरल का ओहदा पाया है। तुम ठीक कहती हो नीना, मैंने तो ये कभी सोचा ही नहीं। लेकिन लेकिन क्या तुम एक सिपाही के साथ? शायद किसी को एक राजा की रानी बनकर इतना गौरव ना होगा जितना मुझे एक सिपाही की बीवी बन जाने का। नीना हमारा नाम अजीत, आपका नाम? रहीम सर। किशन लाल, राजन खन्ना। अच्छा माँ। जुग जुग जीव बेटा, परदेश में अपना ख्याल रखना। अच्छा उसी। अरे उस लफंगे मंगल ने मुझे कई खाना छोड़ा। मैं क्या करूं? अरे चौधरी तू ही बता मैं क्या करूं? सब्र करो मिठू राम, सब्र करो। अरे कोई तेरी बेटी को बाल समेटने का उड़ जाए तो क्या तू सब्र करेगा? मिठू मैं तेरी तरह गधा नहीं जो जवान जहाँ बेटी को घर में अकेला छोड़ के दो दो दिन गायब रहूं। अरे मुझे क्या मालूम था, मैं तो उस चुड़ैल की शादी के लिए साई देने गया था बाजे वालों को। इतना तो सोचना था मिठू कि पीछे घर में बाजा ना बन जाए, अब घर घर ढोल पीटेगा तेरी बेटी की करतूत का। अरे मैं तो उस दिन को पछता रहा हूँ जब उस ठग विद्यारथी को मैंने मकान किराए पर दे बैठा। अरे मंगल तो मंगल, कहीं उसका ढोंगी बाप भी मेरे हाथ में आ जाए तो मुर्गा बनाकर भट्टी में झोंक दूंगा। जय राम जी की मिठू राम जी। अरे वाह पंडित विद्या रतन, भाई बड़ी उम्र है तुम्हारी, मिठू तुम्हारे ही गुण गा रहा था। क्यों नहीं क्यों नहीं, घर में तो सब कुशल है ना मिठू? एकदम कुशल। अब मैं तेरी कुशलता पूछता हूँ। अरे अरे यार मिठू ये क्या, आते ही दिल लगी शुरू कर दी। चोर चोर के बाप, कहाँ ले भागा है तेरा लाडला मेरी बेटी को? मिठू राम ये क्या कह रहे हो, कौन ले भागा है मेरे मंगल को? मिठू की बेटी। अरे मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, मुझे मालूम ना था कि मेरे पीछे मेरी इज्जत पे तुम डाका डालोगे। उल्टा चोर को तुम्हारे को डांटे। अरे डाका तो तेरे बेटी डाला मेरे घर पर। अरे बेटी तो बेटी, साथ में 15,000 का बाल भी ले उड़ा। तू अपने 15,000 को रो रहा है, मेरा 7,00,000 का कमाऊ बेटा छिन गया है मुझसे। बदलू जाने नहीं देना इस चोर को, मैं अभी आता हूँ पुलिस में रिपोर्ट लिखवा के। विद्या रतन जी नहीं नहीं छोड़ दो मुझे। भाई मिठू पाँव पकड़ लो पंडित के, केस इसका मजबूत है। अरे बदलू बेटी मेरी गई, माल मेरा गया और केस इसका मजबूत हो गया। बात ये भी ठीक लगती, केस तुम्हारा भी मजबूत है और तुम्हारा भी मजबूत है, पर कचेरी चढ़ने से पहले इतना सोच लो
मोहनी और मंगल का केस तुम दोनों से ज्यादा मजबूत है। वो ऐसे के दोनों बालिग हैं, अपनी मर्जी के मालिक हैं। मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी? हाँ तो हम क्या करें? अब बंद करो लड़ाई और बांटो मिठाई। बधाई हो बधाई। पंडित कहा सुना माफ कर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक बदला इसीलिए पोत पर लिख देता है। अरे तू चार दिनों के लिए रो रहा है? चाहने वाले का दीदार तो एक लम्हे के लिए हासिल हो जाए तो दोनों जहान मिल जाते हैं। घोष बाबू ये बोल छे बाबा। आमी बोल छी बाबा कि तुम्हारा पोत्र जाने में और तुम्हारा खुद जाने में किसी फर्क नहीं है। की फर्क पड़ता है रे? हम गया क्या, हमारा पोत्र गया क्या, एक ही कथा है रे। जमी कागज के बन जाए समंदर रोशनाई का बया फिर भी न होगा हमसे ये किस्सा जुदाई का। चार दिनों की छुट्टी है और उनसे जाकर मिलना है। जिस मांग ने दिल को मांग लिया, मांग ने दिल को मांग लिया, उस मांग में तारे भरना है। चार दिनों की छुट्टी है और उनसे जाकर मिलना है। जिस मांग ने दिल को मांग धड़के हैं, देखेंगे उन्हें तो क्या होगा। हम होश भी अपने खो देंगे, मस्ती से भरा जलवा होगा। दिल अपना अभी से धड़के है, देखेंगे उन्हें तो क्या होगा। हम होश भी अपने खो देंगे, मस्ती से भरा जलवा होगा। वो सामने हो फिर आए मजा, कुछ कहना है कुछ सुनना है। चार दिनों की छुट्टी है और तुमसे जाकर मिलना है। जिस मांग ने दिल को मांग लिया, मांग ने दिल को मांग लिया, उस मांग में तारे भरना है।
चार दिनों की छुट्टी है और उनसे जाकर मिलना है। शिकवे होंगे होंठों पे हंसी लहराएगी, सागर से मिलेगी जब नदिया तूफान पे रौनक आएगी। आंखों में जवां शिकवे होंगे होंठों पे हंसी लहराएगी, सागर से मिलेगी जब नदिया तूफान पे रौनक आएगी। अब बादल बन के बरसना है, मौजों की तरह से उभरना है। अब चार दिनों की छुट्टी है और तुमसे जाकर मिलना है। जिस मांग ने दिल को मांग लिया, मांग ने दिल को मांग लिया, उस मांग में तारे भरना है। अब चार दिनों की छुट्टी है और उनसे जाकर मिलना है। कहेंगे शर्मा के परदेश गए थे क्या लाए, हम उनसे कहेंगे जाने जहां दिल अपना बचा कर ले आए। अब आंख मिलाओ बात करो, हम सामने है क्या पर्दा है। चार दिनों की छुट्टी है और उनसे जाकर मिलना है। जिस मांग ने दिल को मांग लिया, मांग ने दिल को मांग लिया, उस मांग में तारे बनना है। अब चार दिनों की छुट्टी है और उनसे जाकर मिलना है। जिस मांग ने दिल को मांग लिया, मांग ने दिल को मांग लिया, उस मांग में तारे भरना है। अब चार दिनों की छुट्टी है और उनसे जाकर मिलना है। यहां से वहां तक पहुंचने में जो मेरी हालत होगी वो तो मजबूरी है, लेकिन स्टेशन से तुम तक पहुंचने का सब्र मुझ में ना होगा। इसलिए तुम बुध की सुबह की गाड़ी मुझे लेने के लिए स्टेशन पे जरूर आना। नीना, रमेश का केबल आया है, उसने डॉक्टर पास कर ली है और आज ही वापस आ रहा है। प्लेन आने में एक घंटे का वक्त बाकी है, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। नहीं डैडी, आप जाइए ना, वहाँ मैं क्या करूँगी। इसमें शर्माने की क्या बात है, चलो चलो, जरा बुरा लगता है। अच्छा डैडी, ये गेम तो खत्म कर लूँ। ओके। कौन है? उषा? क्या माँ? भैया। उषा, अरे तू तो बहुत बड़ी हो गई है। माँ, राजू, राजू बेटा, राजू, राजू। माँ, मेरा तो सारा शरीर कांप रहा है, आने से पहले बताया कि नहीं जन्म जले। अरे बस माँ, यूं ही सोचा बस धम से जाऊंगा और माँ धक से रह जाएगी। कैसे हो भैया? देख तो कैसा लगता हूँ, होना पलेगा तुम्हें की तरह। अरे उसी, यही तो फौज में मजा है, जी भर के कसरत और जी भर के खाना। माँ तू रो क्यों रही है? माँ, औरत का जीवन ही रोना है बेटा, खुशी हो तो रोना, गमी हो तो क्या तू मेरे पीछे भी रोती रही? हाय राम, मैं क्यों रोती, भगवान मेरे बेटे को चिरंजीव करे। अच्छा माँ ये बता, तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? नहीं बेटा, कोई तकलीफ नहीं, तेरे भेजे हुए पैसे बराबर मिलते रहे।
और तेरे बिछोड़े को पैसा थोड़े ही पूरा कर सकता है। जिंदगी में पहली बार कलेजे से दूर किया बेटे को। ये तो भला हो बेचारी नीना का, बराबर आती रही, हम दोनों की देखभाल करती रही। बेटा तेरे ऐसा नहीं हो सकता, नीना इस घर में ऐसी आए कि फिर कभी न जाए। उसी तू मेरे लिए साबुन तौलिया निकाल। चल 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 चल। माँ वो बात यूँ है कि वो गाड़ी ना गाड़ी बहुत तेज भागती है, सारी मिट्टी सिर में पड़ती है। माँ मैं अभी नहा के आता हूँ, तू मेरी लस्सी बना माँ, लस्सी है ना। तो आता हूँ आता हूँ। मेरी अपनी नीना, आखिर वो घड़ी आ पहुंची, दिनों महीनों से जिसका इंतजार कर रहा था, और शायद तुम भी। मैं छुट्टी पे आ रहा हूं, यहां से वहां तक पहुंचने में जो मेरी हालत होगी वो तो मजबूरी है, लेकिन स्टेशन से तुम तक पहुंचने का सबर मुझ में ना होगा, इसलिए तुम बुध की सुबह की गाड़ी। बुध आज? ओ गॉड, गाड़ी तो आ भी चुकी। स्टेशन पे ना आ सकी, एक फ्रेंड को लेने एयरपोर्ट पे चली गई थी, जब वापस आई तब तुम्हारी चिट्ठी मिली। कोई बात नहीं, ये बताओ नीना कि तुम हो कैसी? मैं अच्छी हूँ, तुम कैसे हो? कैसे गुजरे मिलिट्री में थे? बस ठीक ही थे, तुम्हारे बगैर जितने भी ठीक हो सकते थे। झूठे कहेंगे, चाहे याद भी ना किया हो। याद? नीना याद तो मैं तुम्हें बहुत करता था। सच, जी चाहता था उड़कर तुम्हारे पास पहुंच जाऊं, लेकिन लेकिन गाड़ी में आना पड़ा। यूं लगता था गाड़ी जैसे 10 बरस में यहां पहुंची हो, हर स्टेशन पे जैसे अपना स्टेशन आ गया। तुम खड़ी मेरी राह देख रही होगी, मैं कूद कर तुमसे मिलूंगा, लेकिन कूदा नहीं, ऐसे ही उतर गया। मैं भी दिन रात यही सोचती थी, जब तुम आओगे तो कहूंगी कहूंगी कि अरे कितनी बातें सोची थी, तुम्हें देखते ही सब भूल गई। नीना अपनी भी यही हालत है, बहाने ढूंढता हूँ, सोचता हूँ, जब्त करता हूँ, मगर जब सामने आता हूँ सब कुछ भूल जाता हूँ। अच्छा नीना ये बताओ, आज शाम को तुम्हारा प्रोग्राम क्या है? आज शाम? हाँ आज मुझे पार्टी पे जाना है। आज ही गोली मारो इस पार्टी को, हम सैकड़ों मिलों से तुम्हें मिलने आए और तुम पार्टी पे जा रहे हो। नहीं राजा, मुझे क्या मालूम था कि तुम आ रहे हो, और फिर उन लोगों से रिश्ता ही कुछ ऐसा है, मैं गई तो बुरा मान जाएंगे। और अगर मैं बुरा मान जाऊं तो? तुम्हारे बुरा मानने की मुझे इतनी सी भी परवाह नहीं। एम साहब, कहीं मेरे पीछे इरादा तो नहीं बदल लिया ना? इरादा? हाँ इरादा मैंने किया ही कब था जो बदल लेती। चाची। अरे रमेश तू, तू कब आया विलायत से? आज ही आया हूँ चाची। कहो राजू का क्या हाल है, कोई चिट्ठी विट्ठी आई उसकी? अरे चिट्ठी क्या, वो खुद ही आ गया है छुट्टी पर। सच? हाँ। कहाँ वो गधा? भाई साहब बंदा हाजिर है। राजू। अरे डॉक्टर के बच्चे। अमित तू कहाँ से आटपका? बेटा तुझे मिलने के लिए सीधा इंग्लैंड से आ रहा हूँ। अरे रहने दे रहने दे, बड़ा आया इंग्लैंड वाला। बेटे ये बता अब कितने मरीजों की जान लेने का प्रोग्राम है जनाब का? मैं तो कहीं साल में एक दो को ही कब्रिस्तान भेजूंगा, लेकिन तुम फौजी तो लाट का लाट साफ कर देते। अच्छा गुरु ये बताओ तेरी मेम साहब कैसी है? अरे एकदम फर्स्ट क्लास, अभी मिलकर आ रहा हूँ। रमेश तू ये बता कि तेरा मामला कहाँ तक पहुँचा? अपना मामला तो पहले से ही पक्का था, बस अब शहनाइयों की देर है। अच्छा? हाँ राजू यार ये बहुत अच्छा हुआ जो तू आ गया। क्यों भाई? पिताजी ने मेरे डॉक्टर होने की खुशी में आज शाम को एक छोटी सी पार्टी रखी है। अरे जियो वंडरफुल प्यारे। अरे वो भी आ रही है। हैं? हाँ तूने तो अपनी वाली दिखाई नहीं ना बेटा। मैं शाम को मिलवाऊंगा तुझे तेरी होने वाली भाभी से। लेकिन बेटे एक बात का ख्याल रखना। वो क्या?
कहीं अपने को देखकर मेरी होने वाली भाभी तेरी भाभी ना हो जाए। अबे क्यों बकता है तू? बस निकल गई ना जान, जा माफ किया। प्यारे अपन यारों के यार हैं, कभी अमानत में खयानत नहीं करते। बाकी रही तेरी पार्टी की बात, तो शाम को वो समा बांधूंगा, वो समा बांधूंगा कि दुनिया देखेगी। ऐसा हा? तो देख लेंगे। अरे तो देख लेना। तो देखेंगे। अरे तो देखेंगे। इधर आइए। अबे चक्रम, खड़े खड़े बोर हो गए, कब आएगी तेरी बिजली? आएगी नहीं, चमकेगी बेटा, नजर जमा के नहीं देख सकोगे। अच्छा, लाखों में एक है। लाखों में एक? रमेश आ गई। अच्छा बेटा, कर लो दिल लगी, लेकिन जब उसे देखोगे ना तो होश उड़ जाएंगे। लो वो आ गई। हेलो नीना। हेलो डॉक्टर, बहुत से मरीज इकट्ठे किए हैं, लेकिन इन सब का इलाज तो तुम्हारे पास है। वो क्या? तुम्हारा डांस। आओ नीना, मैं तुम्हें अपने एक फ्रेंड से इंट्रोड्यूस कराऊं, बहुत दिलचस्प आदमी। राजू। राजू तुम यहाँ? अरे तुम एक दूसरे को जानते हो? हाँ, डैडी इनकी एनसीसी के कमांडेंट थे ना। बेटी नीना, मैं तुम्हें वहां देख रही थी, चलो वहां सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। एक्सक्यूज मी। क्यों बेटा, कैसी लगी? तीर की तरह उड़ गए ना होश, बहुत डिंगे मारा करता था। अब बता, तेरे वाली बढ़कर है या मेरे वाली? तेरे वाली को देखकर तो मैं अपने वाली को भूल गया हूँ दोस्त। साहब, आपको बीवी जी ने बुलाया। मैं अभी आया। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब आपकी खिदमत में मिस नीना बख्शी डांस पेश करेंगी और साथ ही मिस्टर राजन गीत गाएंगे। चल बेटा, आजा मैदान में। नहीं रमेश, मैं नहीं गा सकता। अबे इस मौके पे नहीं गाएगा तो फिर कब गाएगा? चल रमेश, लेकिन तू मेरी बात। है मुकाबला
काबिल देख तो ले है दिल प्यार मंदिर सपना देख रहा हूँ क्या है नजारा क्या बतलाऊं देख लो क्या क्या देख रहा हूँ है दिल प्यार की मंजिल अब है मुखार देख तो ले हुआ तुम आ गई राजू तुम्हारे लिए एक चिट्ठी छोड़ गए हैं चिट्ठी वो कहाँ गए नौकरी पे और कहाँ रात को ही मेजर साहब आए थे न जाने क्या बातचीत हुई सुबह होने से पहले ही चल दिया मेरा लाल तू बैठ बेटी मैं अभी आई नीना मेरे सबसे प्यारे दोस्त रमेश से तुम्हारी होने वाली शादी मुबारक हो दुनिया भर के ऐशो आराम तुम दोनों के कदम छूमे और जमाने की तेज हवा का तुम्हें झोंका भी न लगे याद है नीना कभी तुमने मुझसे मेरे सब दुख मांगे थे आज मैं अपने सब सुख तुम्हें देकर जा रहा हूँ भगवान करे जिंदगी सब खुशियां तुम्हारी हूँ और गम मेरे नहीं राजू नहीं नहीं कंपनी को सूचित किया जाता है कि हमारी बटालियन आज रात फील्ड एरिया को जाएगी यहाँ से रेलवे स्टेशन चलने का टाइम ठीक 2200 बजे रेलवे स्टेशन से स्पेशल के चलने का टाइम 2245 बजे जवानों के किट और बिस्तरे लाइन के सामने 1930 बजे तक लगे हुए होंगे कंपनी 1950 बजे हथियारों और इक्विपमेंट समेत इस एरिया में पालन होगी ब
बंदोबस्त स्टैंडिंग ऑर्डर के मुताबिक। हेलो, प्लीज गिव मी एक्सटेंशन 45। हेलो पैरा बटालियन, जरा लैंड स्नैक राजन खन्ना को टेलीफोन पर बुला दीजिए, बहुत जरूरी काम है। जी क्या कहा? 10:45 ट्रेन। थैंक यू। आपको किससे मिलना है? जी लांस नायक राजन से। अच्छा जाइए। आप बता सकते हैं लांस नायक राजन किस डिब्बे में है? राजन? हाँ। वो तो इंजन के साथ वाले डिब्बे में है। थैंक यू। आजमाने पे तुले हो तो ये भी करके देख लो। आज मैं अपने प्यार की सौगंध खाती हूँ राजू, कि जब तक तुम्हें फिर से पा ना लूंगी वापस नहीं जाऊंगी। समझ में नहीं आता आखिर मीना जा कहां सकती है। सुरेंद्र, हम दोस्तों के बीच कोई पर्दा, कोई झूठी शर्म की बात नहीं है। मुझे सब पता चल चुका है, नीना राजन से प्रेम करती है और मुझे यकीन है कि वो उसी के पीछे गई है। किधारी, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। किधारी सुरेंद्र, इसमें शर्मिंदा होने की क्या बात है? कहीं मुझे पहले पता होता तो मैं तुम्हें ये सब कभी नहीं करने देता। और फिर इसमें हर्ज क्या है? राजन भी तो अपना ही बच्चा है। ये कभी नहीं हो सकता गिरधारी, आखिर मैं रमेश को क्या मुंह दिखाऊंगा? उसकी बात छोड़ो, जब से उसे ये पता चला है उसने घर ही आना छोड़ दिया। लेकिन मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, मैं रमेश की खुशी के लिए नीना की खुशी हरगिज बर्बाद नहीं होने दूंगा। लेकिन गिरधारी, यस क्या बात है? कुछ नहीं, मेरी इमीडिएट पोस्टिंग के ऑर्डर आ गए और आज ही शाम को जाना पड़ेगा। समझ में नहीं आता ऐसी सूरत। तुम बेफिक्र होकर जाओ ना सुरेंद्र, नीना जैसी तुम्हारी बेटी है वैसी मेरी भी, मैं उसे ढूंढने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ूंगा। थारी
मुझे अपने इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट से अभी अभी तो अहम रास मालूम हुए हैं और इसीलिए मैंने आप लोगों की ये अर्जेंट कॉन्फ्रेंस बुलाई है। नंबर वन, हम जो ये समझ रहे थे कि हमारे लिएजोन ऑफिसर लड़ाई में मारा गया, ये खबर गलत है। दरअसल वो दुश्मन के कब्जे में है और वो इस वक्त दुश्मन की फ्रंट लाइन के इस मुकाम पर नजर बंद है। दिस इज द एग्जैक्ट प्लेस सर। अगर कल सुबह होने से पहले हम अपने ऑफिसर को रेस्क्यू न कर सके तो वो उसे अपनी बेसलाइन पर ले जाएंगे और उससे हमारा एक एक रास मालूम करने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। नंबर टू, दुश्मन का वो टूटा हुआ पुल जो उसके लिए हमारे इलाके में आने का एक ही रास्ता है फिर से तैयार कर लिया गया है और हमारी इंफॉर्मेशन है कि दुश्मन उसी पुल के रास्ते पूरे जोर शोर से हमले की तैयारी कर रहा है। अगरचे वक्त बहुत कम है लेकिन फिर भी हमें दुश्मन के प्लान को खत्म करना है। मल्होत्रा। यस सर। तुम इसी वक्त एक पैराट्रूपर पार्टी को दुश्मन के इलाके में भेज दो। ऑल राइट सर। और बाकी सब डिटेल्स मेजर ग्रेवाल से मालूम। ऑल राइट सर। दैट्स ऑल फॉर द डे। और इस मुकाम से दुश्मन का पुल 5 मील नॉर्थ वेस्ट को है। एवरीथिंग इज क्लियर नाउ? यस सर। कल सुबह होने से पहले ये दोनों काम किसी हालत में हो जाने चाहिए। यस सर। लेकिन एक बात का खास ख्याल है, पहले अफसर को रेस्क्यू करना होगा फिर पुल उड़ाना होगा। यस सर। ओके, ऑल द बेस्ट। मैं कुछ नहीं जानता। तुम कुछ नहीं जानते? तुम्हें लास्ट वार्निंग दी जाती। कल सुबह होने से पहले अगर तुमने सब राज ना बताया तुम्हारी जो हालत होगी उसका अंदाजा तुम खुद ही लगा सकती, समझे? है वो दरिया। जवान, आप इसी रास्ते दरिया के किनारे किनारे पुल के नजदीक जाकर हमारा इंतजार करना। ठीक है साहब। देखो जरा इतिहास से। Thank you.
Thank you.
देखो गार्ड, हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि दुश्मन के कुछ आदमी हमारे इलाके में है, इसलिए हमें बहुत होशियारी से काम लेना पड़ेगा क्योंकि हमारी फौजें मार्च कर चुकी हैं और अभी 10 मिनट में स्कूल पर से गुजरेंगे। बी अलर्ट। ओके। यस सर। इसमें कोई शक नहीं कि राजन की बहादुरी ने हमें एक बहुत बड़े खतरे से बचा लिया, मगर अफसोस तो इस बात का है सर कि वो बहादुर खुद इस वक्त ना जाने कहां और किस हाल में है। हेलो। यस। मेरे साथ। हेलो किलो लिमा माइक वन मैसेज फॉर यू ओवर। हेलो किलो लिमा माइक वन मैसेज फॉर यू ओवर। सीधा ऑपरेशन थिएटर ले जाओ। सिस्टर ऑपरेशन की तैयारी हो चुकी है क्या? यस सर, लेकिन सर्जन अभी तक नहीं आए। उनका प्लेन पहुंच चुका होगा, बस आते ही होंगे। मैंने पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में भिजवा दिया है, तब तक तुम उसका ख्याल रखो। ओके सिस्टर। सीरियस। राजू, 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 ये तुमने क्या कर लिया राजू? ये तुमने क्या कर लिया राजू? कुछ तो कहो, बोलो राजू, बोलो राजू। सिस्टर, सज्जन आया। इसे बचा लो डॉक्टर, राजू को बचा लो, अपने बचपन के दोस्त को बचा लो डॉक्टर। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती। नीना,
मत बोलो कि तुम ड्यूटी पर। हाँ डॉक्टर, मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है। सिस्टर इन्हें बाहर ले जाओ। नहीं डॉक्टर, डॉक्टर ना जाए, मैं कुछ नहीं कह सकता। डॉक्टर इस बेटा ना, आप उससे मिल सकती हैं। थैंक यू डॉक्टर। राजू जीने तो नहीं दिया, चैन से मर तो जा। ऐसा ना कहो राजू, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। हट जाओ मेरे सामने से। राजू मैं तुम्हारी सूरत में देखा। राजू ये तुम्हें क्या हो गया राजू, पूरे देश की तकदीर पलट देने वाला आज अपनी तकदीर से मुंह मोड़ रहा है। राजू एक बार देखो तो इसकी तरफ, क्या तुम्हें इसके चेहरे पे मासूमियत नजर नहीं आती? क्या वो कुर्बानी दिखाई नहीं देती जो इसने तुम्हारी खातर दी है? तुमेश, क्यों मेरे जख्मों पे नमक छिड़कने आया हो तुम? नहीं राजू, ये जो कुछ भी हुआ इसमें इस बेचारी का कोई दोष नहीं। दोष है तो मेरे माता पिता का और नीना के डैडी का, जिन्होंने नीना से बगैर पूछे इसकी किस्मत का फैसला कर दिया, और मैं अनजाने में तुम दोनों के दुख का बायस बन गया। अपने पराये में तमीज करो राजू, मैं तुम्हारा दोस्त हूं, बचपन का दोस्त। मूर्ख, ये तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुमसे तुम्हारी जिंदगी छीन लूं? नीना तुम्हारी थी, तुम्हारी है और हमेशा तुम्हारी रहेगी। नायक राजन खन्ना पैरा बटालियन को उसकी बेमिसाल बहादुरी और देशभक्ति से खुश होकर राष्ट्रपति ने महावीर चक्र प्रदान किया है।
माँ राजू। वेल वेल हेलो राजन, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू वेरी मच सर। राजू मंगल तुम आओ आओ आओ। अरे छा गए गुरु बता छा गए। राजू तुम्हारी ये हालत देखकर आज मैंने भी दिल में फैसला कर लिया है कि इसे भी तुम्हारे साथ फौज में भेज दूं। अरे मंगल लेकिन इसे भी तो पूछ ले, शायद ये भी तेरी तरह हलवाई बनना चाहता हो। चाची ये हलवाई बनना चाहे या नहीं, मगर मैं इसे सिपाही बनाकर रहूंगा चुस्की लगा के। इरादे हैं मेरे तूफानी, कभी ना हम हार मानेंगे, अगर जिद पर हम आ जाए तो पहाड़ों से भी टकराएंगे। एक दिन मिल जाएगी वो दुनिया, जीते हैं जिसकी लगन पर, अपनी तो आरजू यही है, होंगे कुर्बान हम वतन पर। दिल मेरा एक आस का पंछी, उड़ता है ऊंचे गगन पर, पहुंचेगा एक दिन कभी तो चांद की उजली जमी पर।